कलरेशन की बेसिक्स के बाद हमारे पास सबसे इम्पॉटेंट टॉपिक जो होता है वो है कलर मैचिंग का कलर मैचिंग हमारे लिए आसान हो जाए इसके लिए हमें कलर व्हील का याद रखना ज़रूरी है तीन इम्पॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उनके तीन अलग अलग तरह के कलर व्हील होते हैं हमारे पास ठीक है एक डायर्स परस्पेक्टिव है एक सोर्स ऑफ लाइट परस्पेक्टिव है जिसे हम एडिटिव कलर सिस्टम कहते हैं एक प्रिंटर्स परस्पेक्टिव है क्योंकि उनके पास इंक तीन तरह की होती हैं सी एम वाई और के ठीक है तो इन तीन कलर सिस्टम्स के लिहाज से हमें तीन तरह के कलर व्हील याद रखने हैं ताकि हम हर तरह का कलर बना सकें आपको याद रखना है कि हमारे पास तीन तरह के प्राइमरी कलर्स अवेलेबल होते हैं उन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके हम हर तरह के कलर्स बना रहे होते हैं अगर मैं डायस पर्सपेक्टिव की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से प्राइमरी कलर्स हैं रेड येलो और ब्लू ये रेड येलो ब्लू डायस को इस्तेमाल करके हर तरह की कलर बना सकते हैं हम यहाँ पे लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सीक्वेंस को इस कलर सिस्टम को याद कैसे करें कि हम इसी सीक्वेंस में कलर का सर्क, सर्कल बनाएं तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है आपको पता होगा सीक्वेंस ऑफ रेनबो कलर्स विप क्योर हम उसे कहते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर लेकिन यहाँ पे देखें मैंने आई रिमूव किया हुआ है क्योंकि आई एक तरह की ब्लू कलर की टोन है ठीक है तो इस वजह से मैंने इंडिगो हटा दिया अब मेरे पास कितने हो गए सेवन में से सिक्स कलर्स रह गए तो उन सिक्स कलर्स को मैंने यहाँ पे सर्कल में अरेंज किया हुआ वी बी जी वाई ओ आर रेड कलर से जो मैंने यहाँ शो किए हैं वो हमारे पास प्राइमरी कलर हैं किसी भी दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करें तो हमारे पास सेकेंडरी कलर बनते हैं जैसे रेड और येलो को मिक्स करने से ऑरेंज बनेगा रेड और ब्लू को मिक्स करने से वायलेट बनेगा ब्लू और येलो को मिक्स करने से ग्रीन बनेगा ठीक है तो ये हमारे पास डायर्स परस्पेक्टिव है इन तीनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करने से हमारे पास ब्राउन कलर बनता है डायर्स परस्पेक्टिव में वहीं पर अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट परस्पेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी कलर कंपैरेटिवली डिफरेंट है कौन से हैं आर जी बी हैं हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू इन तीन को मिक्स करके हम हर तरह का कलर बना सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी ये तीन तरह के पिक्सल्स होते हैं जो कि हर तरह का कलर फॉर्म कर रहे होते हैं इन तीनों को अगर मैं इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दूँ तो वो वाइट कलर बनाएंगे यहाँ पे इन तीनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करने से वाइट कलर बनेगा और याद रखिएगा कि यहाँ पे सेकेंडरी कलर हमारे पास क्या है रेड और ग्रीन को मिक्स करने से येलो बन रहा है ग्रीन और ब्लू को मिक्स करने से सियान बन रहा है और ब्लू और रेड को मिक्स करने से मैजेंटा बन रहा है ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रेक्टिव कलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लैक्शन फिनिना के ऊपर ये काम करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है कौन सा इन तीन कलर्स में से सब्ट्रैक्ट हो चुका है उस बेसिस पे हमें यहाँ पे कौन से कलर्स नज़र आते हैं सियान मजिंटा और येलो ये तीन इसके प्राइमरी कलर्स हैं सियान मजिंटा और येलो और इनकी कलर मिक्सिंग से हमारे पास क्या बन रहे हैं जो सेकेंडरी कलर हैं हमारे पास यहाँ पर आर हैं ठीक है और इन तीनों कलर्स को सियान मजिंटा और येलो को मिक्स करने से इक्वल अमाउंट में हमारे पास क्या बनता है ब्लैक कलर बनता है ये याद रखिएगा वहाँ पे इन तीनों को मिक्स करने से वाइट बन रहा था यहाँ पे इन तीनों को मिक्स करने से ब्लैक बन रहा है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको याद रखिएगा अच्छा इसी तरीके से डायस पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ऑपोजिट साइड पे कलर नज़र आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिफ्लेक्शन उसकी ऑरेंज कलर में नज़र आएगी ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें वो ब्लू कलर का नज़र आएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ब्लू नज़र आएगी ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा नज़र आता है जो भी एब्जॉर्ब करता है इसी के अलावा अगर एक ऑब्जेक्ट में कोई कलर टोन बढ़ गई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट के अंदर वॉयलेट टोन नज़र आ रही है उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे येलो इस्तेमाल करना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में ग्रीन टोन बढ़ रही है तो उसे रिड्यूस करने के लिए यल, रेड का कलर हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास कि हमें कौन सा सीक्वेंस याद रखना चाहिए हमें वी बी जी वाई ओ आर जो कि एब्जॉर्प्शन सीक्वेंस है ये याद रखना चाहिए या जो हमें नज़र आ रहा है रिफ्लेक्शन सीक्वेंस वो याद रखना चाहिए तो ही बात है हमें रिफ्लेक्शन सीक्वेंस याद रखना चाहिए लेकिन इतनी मुश्किल से तो हमें वेबग्योर का सीक्वेंस याद हुआ कि हमने आई रिमूव करके कलर बना लिया तो इसी तरीके से हम रिफ्लेक्शन सीक्वेंस भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं हम वी बी जी वाई ओ आर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और आखिर वाला पार्ट उठा के पहले रख देते हैं तो इस तरीके से हमें रिफ्लेक्शन सीक्वेंस याद हो जाएगा लेकिन ज़रूरत क्या है रिफ्लेक्शन सीक्वेंस याद करने की उसको भी समझें हमारे पास जो कलर चेंजेस आ सकते हैं किसी भी कलर में तीन तरह के चेंजेस आ सकते हैं समझें एक तो इस तरह का चेंज है कि कलर में तब्दीली आ जाए किसी भी कलर के अंदर एक्चुअल कलर में जो चेंज आ रहा है येलो से ग्रीन ग्रीन की डायरेक्शन में अगर वो चेंज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे ह्यू का इंक्रीज़ होना और अगर ग्रीन से येलो की डायरेक्शन में कोई भी कलर का चेंज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे ह्यू का डिक्रीज होना रियलिटी में ये वेवलेंथ का इंक्रीज हो रहा है एबजॉर्बशन के स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ के इंक्रीज़ होने को ह्यू इंक्रीज होना कहते हैं लेकिन रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो नज़र आता है वो इन कलर्स में नज़र आ रहा होता है तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है अगर ह्यू का इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे अगर ह्यू डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है उसमें रेड कलर का डाई में मिलाता जाऊँ और ज़्यादा मिलाता जाऊँ और ज़्यादा मिलाता जाऊँ तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी और उसके अंदर कलर इंक्रीज़ होता जाएगा तो कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होने को कलर की सेचुरेशन इंक्रीज़ होने को हम क्या कहेंगे क्रोमा कहेंगे ठीक है क्रोमा का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा हाइपर क्रोमिक शिफ्ट और क्रोमा का डिक्रीज होना क्या कहलाएगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मैं एक रेड कलर के डाई के सॉल्यूशन में ब्लैक कलर ऐड कर रहा हूँ या फिर वाइट कलर ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा उसका एक्चुअल ह्यू चेंज नहीं होगा ना ही उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी बल्कि उसकी टोन चेंज हो जाएगी या तो वो वाइट साइड पर चला जाएगा या फिर वो ब्लैक साइड पर चला जाएगा इस चीज़ को हम क्या कहते हैं वैल्यू आसान अल्फाज में समझें तो वैल्यू कलर की ब्लैकनेस को कहा जाता है वाइट ऐड करने से वैल्यू कम होगी ब्लैक ऐड करने से वैल्यू बढ़ेगी अगर वाइट से ब्लैक टोन की तरफ जा रहा है कोई भी कलर तो उसे हम कहेंगे वैल्यू का इंक्रीज होना मतलब शेडिंग और अगर किसी भी कलर में आप वाइट ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है उसे हम क्या कहेंगे टेंटिंग तो बहुत सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने कलर को मेजर करना है तो कलर मेजरमेंट के लिए आपके पास एक थ्री डायमेंशनल ग्राफ का इस्तेमाल होता है जैसे हम कहते हैं कलर मेजरिंग स्पेस कलर स्पेस भी कहा जाता है इसको और से समझिएगा हमारे पास कलर को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके पास दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक है एल ए बी एक है एल सी एच एल ए वाले सिस्टम के अंदर उन्होंने एक तरह से थ्री डी कार्टिशन कॉर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया वहीं पर अगर मैं एल सी एच सिस्टम की बात करूं तो इन्होंने एक तरह का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम ठीक है यहाँ पर हमारे पास एल का मतलब है वैल्यू वैल्यू या तो वाइट की साइड पर होगी या फिर ब्लैक की साइड पर होगी एज वी डिस्कस्ड बिफोर बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो ए है वो एक एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी पॉजिटिव साइड पे रेड कलर टोन है जिसकी नेगेटिव साइड पे ग्रीन कलर टोन है ठीक है किसी भी कलर की रेडर या ग्रीनर टोन की बेसिस पे उसे ए के एक्सेस के ऊपर लाइक किया जाता है बिल्कुल इसी तरह से अगर बी को देखें तो ये एक अलग एक्सेस है यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेस के ऊपर बी पे येलो कलर अपेयर होता है और नेगेटिव एक्सेस पे यहाँ पे ब्लू कलर अपेयर होता है ठीक है तो एक तरह का थ्री डायमेंशनल ग्राफ है जहाँ पे तीन तरह के एक्सेस है एल वाला एक्सेस वाइट और ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव पे ए वाला एक्सेस रेड और ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा ब्लू येलो और ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा जो बी वाला इसी तरीके से हम इस सिस्टम की अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेस है एल जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी दो एक तरह का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है मतलब उस एक्सेस से जितना दूर है उसको क्रोमा कह रहे हैं और कितने एंगल पर है वो ह्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे ह्यू जो कि एंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है और क्रोमा जो कि डिस्टेंस से रिप्रेजेंट हो रहा है जितना ज़्यादा क्रोमा इंक्रीज करना है उतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे और जितना कम क्रोमा चाहिए उतना कम डिस्टेंस रखेंगे बहुत सी सा सीक्वेंस है ठीक है ये दोनों सिस्टम इन्होंने एक तरह से कलर व्हील के ऊपर ही प्लॉट किए हुए हैं कलर व्हील के थ्रू ही इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं दोनों कलर मेजरिंग सिस्टम्स को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कलर स्पेस को समझें इसका अंदाज़ा दिलाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने कलर व्हील बनाया इसको एज अ कलर व्हील इमेजिन करना है कलर व्हील एक तरह का सर्कल था जो कि हमने प्रीवियसली समझा इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अरेंज हुए हुए होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ठीक है अब इस कलर व्हील के दरमियान में सेंटर में हमने एक एक्सेस ड्रॉ किया है अब अगर मैं इस कलर व्हील को उठा के ऊपर मूव करना शुरू कर दूं तो सारे के सारे कलर एक तरह से वाइट होने लग जाएंगे उसमें वाइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी अगर मैं नीचे करना शुरू कर दूं तो उसके अंदर ब्लैक टोन आ जाएगी ठीक है तो ये एक तरह का कलर स्पेस है जिसमें हर डिफरेंट जगह पर अलग अलग कलर की डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी शो हो रही है डिफरेंट ह्यू डिफरेंट क्रोमा और डिफरेंट वैल्यू ठीक है अब उनमें से ये एक मेजरिंग सिस्टम है हमारे पास एल ए बी जहाँ पर आपको ये तीन एक्सेस नज़र आ रहे हैं एक ये वाला एक्सेस ए एक ये वाला एक्सेस बी और एक ये एक्सेस ठीक है ये जो वर्टिकल एक्सेस है इसको हम एल एक्सेस कह रहे हैं जिसके ऊपर की तरफ वाइट है और नीचे की तरफ ब्लैक है बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एक्सेस है इसमें पॉजिटिव साइड किस को रिप्रेजेंट कर रही है रेड को नेगेटिव साइड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रही है बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्सेस बी इसकी पॉजिटिव साइड येलो को रिप्रेजेंट कर रही है और नेगेटिव साइड ब्लू को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है तो हमने इस चीज को समझना है इस कलर स्पेस में मैं कहीं पर भी एक भी पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो उस पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे ये इसका एल कोऑर्डिनेट है यहां से यहां तक इसका ए कोऑर्डिनेट है बिल्कुल इसी तरीके से इसका कोई बी कोऑर्डिनेट भी हो सकता है ठीक है तो ये पॉइंट हमारे पास किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए बी और सी ए बी और एल ये तीनों एक्सेस किसी ना किसी एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ठीक है तो तीन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके हम इस पूरे कलर स्पेस में किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एल सी एच सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास उसी कलर व्हील को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सपोज़ हमारे पास ये ग्राफ है यहाँ पर किसी भी हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्टिकल एक्सेस के ऊपर उसका जो भी डिस्टेंस होगा वो किस रिप्रेजेंट करेगा उसके एल एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि वैल्यू एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता है ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसका रेड कलर के साथ कितना एंगल बन रहा है इसको मेजर करें तो ये क्या बता रहा होगा हमें एंगल बता रहा होगा ये एंगल एक तरीके से यू को रिप्रजेंट करेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अलग अलग कलर शो होंगे यहाँ पर रेड शो हो रहा है इसके बाद ऑरेंज येलो इसी तरीके से हमारे पास पूरे कलर्स का सीक्वेंस होता है ठीक है तो एंगल आ गया इसी तरीके से फिर हमारे पास ये एल एक्सेस से कितना दूर है ये डिस्टेंस हमें क्या बताएगा इसका क्रोमा बताएगा अगर मैं इसको करीब कर दूंगा तो क्रोमा रिड्यूस हो जाएगा ज़्यादा दूर कर दूंगा तो क्रोमा भी इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास तीन तरीके हैं यहाँ पे एक एल कोऑर्डिनेट दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस जो कि क्रोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल जो कि ह्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर